तो भाई हुआ कुछ यूं कि मम्मा के लग गई है पाँव में चोट। चोट लग गई। तो आज हमारी ड्यूटी लग गई है, तो आपको हम पूरी बिरयानी बना के दिखाएंगे। यार हमारे किचन में जगह नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा किचन जो है ना बल्ला बहुत खराब हो रहा है। रिव्यू चाहिए आप लोगों? तो गाइस हमने बिरयानी तो खिला दी है, तो बर्तन भी तो धोने ना भाई। तो क्या हुआ मम्मा आपको? चोट लग गई। जूस लिया बेटा, जूस सुबह शाम दोपहर का 3 जूस लिया बेटा। गाइस हुआ ये, मम्मा किचन में खड़ी हुई थी और फिर जो है ना छुरी जो है ना मम्मा के पाँव में यू कर गई, यू घुसी और मम्मा का यू नो ये खून हम खून हो गया। पापा ने पोछे साफ किया। टिंचर जुड़े हुए थे। क्या मम्मा क्या टूटा आपका? रोना भी आ रहा, हंसना भी आ रहा, समझ में आ रहा क्या करूँ, ओवर एक्टिंग की दुकान। हम लोग वो मंगवा रहे हैं, बैंडेज कर रहे हैं, मियाँ शर्ट फाड़ दो, कॉन्टेंट फिर भी सूझा हुआ इनको। नहीं बेगम मैं तुम्हारा नहीं है, नहीं कर, बस इतना ही बोल। जूस दिया बेटा, जूस तीन सुबह शाम दो बजे ठंडा ला, चक्कर आ रहा है। बस पाँव पे लगी है, क्या हो गया? पाँव पे लगी है, सर से कम पाँव पे सर आराम से वो पूरी पट्टी तो पूरी लगा दी। वो भी बचा ली सुबह शाम दो बजे की। मैं प्रावी पूछ तो रो रही है हंसी। वही तो समझ नहीं आ रहा, रो रही है हंसी की, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गाइस इनके पांव पे चोट लगी, मैं कपड़े से साफ कर रहा, ये बोली ये तो पोछा है, पांव पे भी इनको ड्राई क्लीनिंग वाला प्रूफ चाहिए। बोली मैंने देख लिया कंटेनर, तुम शर्ट फाड़ सकते हो, मेरे लिए नहीं फाड़ सकते, ये मोहब्बत है तुम्हारी। अब खाना कौन बनाएगा? खाना खाने पे आके बात रुक गई। गाइस खाना बन रहा है, मुझे तो बना ही नहीं आता, पापा की बारी है। तो भाई हुआ कुछ यूं कि मम्मा के लग गई है पाँव में चोट और मम्मा आप खड़ी नहीं हो सकती, मतलब खाना नहीं बना सकती, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको बना के खिलाएं। तो आपको पता है आपकी बाजी को खाना बनाना आता नहीं है, तो भाई हमने लगा दिया अपने पापा को ड्यूटी पे। क्या बना रहे पापा जी? भाई ये चने के पुलाव बना रहे हैं। ओ माशाल्लाह, क्योंकि हमारी बेगम के तो लग गई चोट, वो बेचारी चावल निथार रही थी इधर, और मैंने जो ना चावल इसमें डाल दिए हैं। ये आ गई प्याज जो वो कटिंग करके गई थी, ये टमाटर, ये हरा धनिया पुदीना, ये इंशाल्लाह चावल बॉयल हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसमें छोले बॉयल कर लिए हमने, ये रहे छोले, ठीक है। छोले बॉयल करने के बाद अब छोले की हम बनाएंगे बिरयानी, वीवीआईपी वाली। तो आज हमारी ड्यूटी लग गई है, तो आपको हम पूरी बिरयानी बना के दिखाएंगे। ओके चलो भाई, पापा जो है ना हमें मम्मा के बीमार होने पे यू नो चावल खिला रहे हैं, थोड़ी चिकन ऐड कर लेते हैं, मतलब छोले की बिरयानी क्या मतलब, व्हाट इज दिस यार। ये तो हम आपको वो क्या खिला रहे थे, दाल चावल खिला रहे थे, उसको हमने अब बिरयानी में कन्वर्ट कर लिया। ये ना ये इंसान गाइस, एवरीवन गाइस, हम लोग खाने वाले हैं आज बिरयानी पुलाव जो भी बनता है, क्योंकि पापा को आता वाता है नहीं पकाना, बस खड़े हो गए हैं बनाने, तो अल्लाह करे कि कुछ अच्छा ही बने। एंड देन अभी जो है ना ये चावल बॉयल हो रहे हैं, जैसे चावल बॉयल होते हैं हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आते हैं और फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको वीआईपी यू नो मिल भी जाएगी, क्योंकि रेसिपी मिल जाएगी छोले चावल की ना, रेसिपी भी इसमें मैं आपको देने वाली, तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, आके देखते हैं क्या क्या होने वाला है। हम वेट कर रहे थे चावल बॉयल होने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है चावल बॉयल होने का। ये हमारे चावल है, तो ये कौन सा चावल था, सेला चावल था? नहीं भाई, फिर ये है वनस्पति, वनस्पति ये है लव गुरु। ओ लव गुरु चावल, एक मिनट रुका, मम्मा को तो बता दो, मम्मा व्हाट्स योर फीलिंग? ये देखो गाइस काम गया, मेरी जंग उठा, देखो गाइस यहाँ बैठ के मम्मा देख रही है और हम दोनों कुकिंग कर रहे हैं। हम दोनों नहीं, मैं सिर्फ ये सिर्फ वीडियो बना रही भाई। तो ये प्याज हम रेड करने के लिए डाल रहे हैं, तो भाई प्याज को ब्राउन, एक मिनट हमें नजर नहीं आ रहा, तो भाई ये हम ब्राउन करेंगे पहले प्याज, फिर उसके बाद दूसरा काम आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। वेयर इज योर स्पून? ये रख, ये चलो पीछे जाओ,
पहली बार अंदर कुछ बात भी नहीं किया, पापा जला दिया यार। जो है ना अभी हमारे चावल बॉईल हो रहा है, बॉईल हो चुके हैं। सॉरी वो क्या था, प्याज ब्राउन हो गई। प्याज ब्राउन हो गई भाई। मैं मेरे पास खाने पकाने का एक्सपीरियंस थोड़ी है, बताओगे तो मैं बोलूंगी ना। समझा, आप तो पहले ही खाने किचन के अंदर हो ना भाई। पापा मास्टर शेफ बन चुके हैं। पहले हम लोगों ने किए प्याज ब्राउन और वो होती है, तो फिर हमने उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। और हमारी रेसिपी बुक है, ये हमारी रेसिपी बुक है, बैठ के बता रही है हमें कि भाई कैसे पकाना, क्या आप बनाना है। सही है, तो भाई यहाँ टमाटर हमारे यू नो कटिंग शटिंग करके अम्मा ने सब अम्मा ने कट कर दिया, प्याज दिए कट करके, चावल हमने खुद बॉईल कर लिए। अब जो है ना प्याज ब्राउन हो रही है, एंड आगे देखते क्या होता है। यहाँ हमारी आप लोग प्याज देख चुके हो, ब्राउन हो चुके, लाइट ब्राउन। उसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। कितने टमाटर थे भाई? ये आधा किलो टमाटर है, पूरे पूरा आधा किलो टमाटर है। ठीक है, देख लो। ये अभी आधे डाल लें, फिर चावल आधे डाल लें। ओके ठीक है, ये तेल वाली बिरयानी बन जाएगी एक तरीके से, जो हम कहते हैं ना तेल वाली बिरयानी, तेल वाली बात करते हैं। छोले ये रखें पहले वो डालू हरी मिर्ची। तो भाई यहाँ ग्रीन चिली ऐड होगी, ये चावल जो उसके ऊपर दोबारा हमने रखना है सालन डालने के बाद। ठीक है, तो अभी ग्रीन चिली थोड़ा सा सफाई करनी है ना। था ये है ना बेगम। अच्छा दो पकड़ो, दो के दो ये। भाई यहाँ हमारे जो है ना खाने के साथ साथ लड़ाई भी होती है, मींस हम खाना बना रहे हैं या लड़ाई भी साथ साथ चल रही है दोनों के लिए। छुरी ही लगी है, जब वहीं जहाँ रखी आपने लाउ धोई नहीं है। तो भाई ये ग्रीन चिली हमारे पास इसके अंदर दो पीस करना है हमने। ठीक है, और बीच में से यू नो कैसे करनी है, सेम टू सेम एज इट इज। कितनी हरी मिर्च, आठ? सात आठ ले लो भाई। ओके, सात आठ इसको ज्यादा रखनी है, मिर्च तेज खाते हैं तो वो ज्यादा रख सकते हैं। ये हस्बैंड जरूरत है, इसलिए हमने हम लोग क्यों आज हम स्पाइसी खाने की आदत है मैं यू नो अब हो गई है, वरना हम लोग यू नो बिल्कुल लाइट मिर्च खाते थे, लेकिन अब हम कुछ ज्यादा ही मिर्च खाने लगे, ओवर हो गए हम। चलो जी, मिर्च हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए गाइस, दिखाएं भाई करीब से दिखाएं, देखिए क्या लुक आया। अब ये डाल रहे हैं हम इसके ऊपर एक और तेल। ओके, अब हम इसको पूरा बैलेंस करेंगे। ठीक है, अभी डालना छोले को। गाइस वल्लाह मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कसम से ये लोग बना रहे हैं, मैं यूं कर रही हूं। बस जल्दी से रेडी हो और हमारे पेट में जाए और हम आपको बताएं कि भाई इसके गुण क्या है, कैसा बनाए मेरे अब्बा जान ने खाना। दही ले कर आओ, दही मेरे लग गई। ये ले आए पापा दही। ठीक है, ओके, इसके अंदर दही कैसे ऐड होगी? दही कैसे? मसाले होगी? मसाले क्या डालू, मसाले तो बता दो। मसाला नहीं डालना भाई, मसाला अच्छा। कोई भी नहीं डालना इसके अंदर। नमक डालना भूल गए, सिर्फ हम नमक डालना भूल गए गाइस, हम नमक डालना भूल गए। और ये ट्रिक है, हाँ जब ही हमारे पाँव में लगी थी। ओ अच्छा भाई, ये ट्रिक है भाई, अगर आप नमक डालना भूल जाओ तो पानी घोलो एंड नमक डालो, पानी में घोलो नमक को। हाँ वही, एंड देन ऐड इट ऑन चावल राइस। ओके हो गया भाई, ये ले भाई। अभी जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बेहतरीन लुक पे आ जाएगा। ओके, बैलेंस हो जाएगा। या, ये ले दही। साइज मोड है, हाय जी, ये आ गई है हमारी दही। दही के अंदर क्या ऐड करना है? फूड कलर। फूड कलर, वाह अच्छा अच्छा, हां बिरयानी बन रही है ना। ये बिरयानी नहीं, पुलाव है, पुलाव। ठीक है गाइस, ये देखें, ओए होए रायता, माशाल्लाह 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 बोलते हो, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तवा रखो उस पे, बंद कर दिया उसको।
चलो जी, हमारी बिरयानी का जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सब कुछ ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और ऊपर से टॉपिंग के लिए हम इसके ऊपर रख रहे हैं टमाटर, ठीक है। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। तो भाई इसके अंदर ऊपर से टॉपिंग के लिए ऐड कर रहे हैं टमाटर, ठीक है। और यहाँ पापा मम्मा आप लोग देख सकते हैं फुल लगे पड़े हैं दोनों। और अब जो है ना इसके ऊपर हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर तवा, ठीक है। यार हमारे किचन में जगह नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा किचन जो है ना बल्ला बहुत खराब हो रहा है, तो यू नो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट। भाई हमारा किचन के कुछ ये हालात हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में अपना होम व्लॉग मतलब हाउस टूर व्लॉग देने वाली हूँ। और अभी जो है हम लोगों ने तवे पे चूल्हे पे जो है रख लिया तवा, ठीक है। और अभी हम इसको देंगे दम, दम लगाने के बाद जी हम लोग खाएंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई बिरयानी कैसी बनी है, पेट में लेके आएंगे, उसके रिव्यूज देंगे आप लोगों को, और अपने घर में बनाएं, खाएं, पिएं, ऐश करें। तो भाई अब जो है ना ऊपर से यू नो टॉपिंग के लिए हम लोगों ने ये हरा धनिया भी लिया है। डालना पुदीना था, अगर पापा को पुदीना मिला नहीं तो हम लोग हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। अगर आपके घर में पुदीना हो तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई है जी हमारी हरा धनिया ऐड। और फिर जब ये मिक्स होगा ना, यू नो यू क्या बोलते हैं उसको, मिक्स ही कहते हैं हाँ, जब वो आप मिक्स करोगे ना तो फिर यू नो एक अच्छा सा लुक आपको नजर आएगा, और यू नो खाने वाला और बनाने वाले पर होगा, ये अगर ना खाया तो बाबू कुछ ना खाया तुमने, समझ रहे हो बात को। या। तो अगर आपने ये ना खाया ऐसे बना के तो फिर आपने कुछ नहीं किया। एकदम इजी सी है, सिंपल सी, चटपट बनाओ और खाओ। और अगर आपके घर में मेहमान शेमान आ रहे हैं तो यूं बना, यूं 10 मिनट्स में रेडी। अब इतना भी नहीं हो रहा, बॉइल कर देना चावल तो फिर 10 मिनट्स में बन जाएगी, ठीक है। तो अब जो है ना ये दम पे लगने जा रहा है, देखें इसका लुक फाइनल लुक, और इसका मोस्टली एंडिंग फाइनल लुक हम आपको तब दिखाएंगे जब ये दम से आ जाएगा फाइनल लुक है। और अब जैसे ये दम से फ्री होके आता है फिर जो है ना इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए आप लोग वेट करें थोड़ा सा बस। तो भाई हम यहाँ बाहर आ चुके हैं और पता लगा कि भाई ये लोग जो है ना मिक्सिंग कर रहे हैं बिरयानी की। तो माशाल्लाह 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 आप देख सकते हैं क्या लुक है, जबरदस्त माशाल्लाह। चलो जी अब ये पता चलेगा कि कैसी बनी है, टेस्ट करके पता चलेगा, क्योंकि शक्ल से तो माशाल्लाह VIP लग रही है। तो आप खा कर टेस्ट करने वाले हैं कि भाई कैसी बनी है, क्योंकि रिजल्ट और यू नो सजेशन तभी मिलती है। क्या कर रही है, खिला रहे भाई, मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, करो करो, नो टेंशन। तो भाई अभी जो है ना हम वेट करें कि भाई दस्तरखान लगे, ठीक है, पापा की जो है ना बिरयानी जो पापा ने बनाई है उसको टेस्ट करें और इनके रिव्यू आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये टेस्ट के बाद पता चलेगा कितने मार्क्स देना है पापा को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है, आप अब देख सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा कोई अम्मा ने मुझे यू नो इंतज़ाम करके दिया, कहती अपने रिव्यू दो मेरे व्यूअर्स को, मेरे चाहने वाले को, मतलब कि मम्मा के चाहने वाले, वाह जी वाह, मेरे चैनल पर मम्मा के चाहने वाले, मम्मा की कुकिंग पसंद करने वाले। तो भाई ये कुछ लुक है। तो भाई ये आ चुकी है मेरी गर्मा गर्म बिरयानी रेडी होकर, ठीक है। अब जो है ना हम रिव्यूज देने वाले हैं। हाँ मम्मा ने चमचा नहीं दिया, पूरी प्लेट से जाके दे दी, सलाद चटनी अचार और कुकम्बर ऑनियन खाद पीच के दिए, मीन सैलड भी दिया, हमें रायता भी दिया है। तो हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या रिव्यू मेरा, ठीक है। रिव्यू चाहिए आप लोगों, पावर रिव्यू जरूर लोग। हाँ हाँ दे दे दे। भाई बयान नहीं कर सकते, इतनी टेस्टी बिरयानी है, इतनी जल्दी रेडी हो गई और इतनी टेस्टी, मैं यकीन नहीं कर सकती पापा के हाथों पे, पापा के टेस्ट पे। भाई इजी टू सिंपल रेसिपी, 10-15 मिनट में बन जाएगी, सिर्फ चावल बॉइलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा और दम में 10-15 मिनट लगे हैं, बाकी आप अपनी फैमिली को ही खिलाओ। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार, झकास, मज़ा आ गया कसम से, 10 out of 10। उंगलियां चाटते रह जाएंगे जो खाए ना, वाह क्या बिरयानी बनाई कसम से, वल्ला मजा आ गया। आप लोग भी घर में बनाओ, ट्राई करो, खाओ, बहुत जबरदस्त बनेगी। जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, बोलेगा ये नहीं खाई तो मतलब कुछ नहीं खाया, कसम है, वाकई वल्ला बहुत मजा आया, टेस्टी। मैं इसको नंबर दूंगी 10 out of 10, ठीक है जी। पहले कर रहे थे जल्दी जल्दी पेट पूजा, क्योंकि खाने को इंतजार नहीं करवाते, मुझसे रहा नहीं जा रहा, वो पानी आ रहा है, गिर रहा है, बस खाती हूँ पीती हूँ ऐश करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइज ये देखो पापा क्या कर रहे हैं, पापा पकड़ लिया। तो गाइज हमने बिरयानी तो खिला दिए, तो बर्तन भी तो धोने ना भाई, तो बर्तन अभी हम धो रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आगे और काम भी होगा। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अब अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो कैसा लगा हमारा व्लॉग ये भी कमेंट के अंदर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू अल्लाह हाफिज़।